अगर हम टैब नेविगेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस में, इनफैक्ट ये एंड्रॉयड को ही अगर आप देखें तो ये जो बॉटम टैब है यहाँ पे तीन बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये बैक का बटन है, ये मेन्यू का बटन है, ये होम का बटन है। तो ये इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक टैब नेविगेटर है, ठीक। तो इसी तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में भी इम्बेड कर सकते हैं नेविगेटर जो बॉटम या टॉप पर होगा, और मुख्तलिफ टैब्स की सूरत में हम अपने कंपोनेंट्स रखेंगे, और यूजिंग स्वाइप हम टैब्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो मैंने बात की स्वाइप की, तो ये स्वाइप इम्प्लीमेंट किया जा सकता है स्टैक के लिए भी, और कोई सा भी नेविगेटर हो, बस सपोर्ट होनी चाहिए तो आप स्वाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टैब इज़ द परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पे आप स्वाइप से कंट्रोल करना चाहेंगे अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। तो चलते हैं इसी एप्लीकेशन को जो हमने ये लास्ट सोर्स कोड लिखा था, इसी को हम चेंज करेंगे और हम टैब नेविगेशन में कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने कमांड की तरह, कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा। अब ये देखें कि जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ी स्टैक नेविगेटर इंस्टॉल करने की, इसी तरह टॉप या बॉटम टैब नेविगेटर भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली, क्योंकि ये सारे नेविगेशंस अलग कंपोनेंट्स के तौर पे आते हैं। तो मैं लिखूंगा npm install वही रिएक्ट नेविगेशन, और हम एग्जाम्पल लेंगे बॉटम टैब्स की, ठीक है। हम चाह रहे हैं बॉटम में टैब्स हो, तो लेट इट इंस्टॉल। हमारे पास साइड बाय साइड चलता रहे। और इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो लिहाजा हम अपने कोड को चेंज करेंगे थोड़ा सा। और इसमें चेंज क्या करना है हमें, ये जिस तरह से हमने स्टैक नेविगेशन इनेबल की थी यूजिंग स्टैक नेविगेटर, इसी तरह से हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉन्स्ट टैब इक्वल्स टू क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, ठीक है। सेम सेम फॉर्मेट है, सेम चीज है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों में, बल्कि एज इट इज ये जो मैंने लिखा हुआ है स्टैक नेविगेटर और टैब स्क्रीन, स्टैक स्क्रीन की जगह टैब स्क्रीन कर दिया मैंने, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज मैंने सेव किया। npm स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एप्लीकेशन अपडेट हुई मेरे पास, रिलोड होगी। और अब आप देखें तो यहाँ पे हेडर एक मौजूद है लॉगिन के नाम से, लेकिन अगर आप नीचे आए तो यहाँ आप व्हाट इज दिस, लॉगिन है और मेन्यू मौजूद है आपके पास। तो हमने इनेबल कर दिया टैब नेविगेशन को, और अगर आप ऊपर गौर करें तो ये भी चेंज हो रहा है रिस्पेक्टिवली। सो लॉगिन से मैं जैसे ही मेन्यू पे स्विच करता हूँ, मेरी हेडिंग भी साथ ही अपडेट हो रही है। तो इसको भी मैं एक सॉर्ट ऑफ स्टाइल दे देता हूँ, थोड़ा छोटा सा सेंटर में ले आता हूँ, तो लिहाजा मैं लिखूँगा स्क्रीन, स्क्रीन ऑप्शंस, और यहाँ मुझे क्रिएट करना है एक हेडर स्टाइल। इसमें एक ऑब्जेक्ट में दूंगा
बैकग्राउंड कलर, और वही लाइट येलो। पहले देख लेते हैं इसका रिफ्लेक्शन आ गया, यस। अच्छा, दूसरा हेडर स्टाइल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे हेडर को सेंटर में लेके आना है, तो मैं कह रहा हूँ हेडर टाइटल, टाइटल अलाइन, और सेंटर। ठीक, ये टाइटल आ गया सेंटर में। इसी तरह मैं इसका कोई टिंट कलर भी दे सकता हूँ, हेडर टिंट कलर वाइट, ओ सॉरी नेवी कर देते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा ये इसकी स्टाइलिंग कंट्रोल कर सकता हूँ सिर्फ स्क्रीन ऑप्शन से। लेकिन बहरहाल इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी पड़ेगी, ये ऐसी चीज़ नहीं कि आप वैसे ही जहन से ही आप याद कर लें, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोई ऑप्शन आपको लगेगा कि भाई ये इसके अंदर होना चाहिए हेडर स्टाइल के अंदर ही सेंट्रलाइज, या टिंट कलर भी इसके अंदर होना चाहिए, तो इस तरह से नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की बहरहाल फॉलो किया कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, और अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, आप देखेंगे इसके आइकन्स, आइकन्स बड़े अजीब से हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप देखें, पहली मेरी स्क्रीन है लॉगिन, और यहाँ से मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ मेन्यू पे, तो ये फ़िलहाल तो यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक आप कह सकते हैं ब्रेक हो रही है, मतलब ये एप्लीकेशन हमारी अजीब सी है ना, लॉगिन के बगैर ही मैं जो है लोड कर सकता हूँ, तो पहले तो हम इसको फिक्स करते हैं। अब देखें हमारी एप्लीकेशन का नेचुरल फ्लो क्या होना चाहिए। नेचुरल फ्लो ये होना चाहिए कि सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे ही लॉन्च हो, लॉगिन फॉर्म लोड हो। लॉगिन फॉर्म जब लोड हो रहा हो तो ये नेविगेशन नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, जस्ट लॉगिन। लॉगिन जैसे ही हो जाए, लॉगिन के बाद हम आएंगे इस नेविगेशन, टैब नेविगेशन के ऊपर, और इसी में हमारी पूरी एप्लीकेशन होगी। हम चाहें तो आखिर में एक बटन लॉग आउट का रख सकते हैं, या हम चाहें तो एक यहाँ हैमबर्गर मेन्यू, एक और टाइप का नेविगेशन है ड्रॉवर नेविगेशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर लॉग आउट रख सकते हैं जो हमें वापस ले गया चला जाए लॉगिन के फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा असल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी मेरी एप्लीकेशन जब लॉन्च हो रही हो तो मेरे पास ये कुछ भी नहीं हो, सिंपली मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना लॉगिन। ठीक है, ये लॉन्च हो रहा होगा मेरा, यहाँ पे एक आइकन आना चाहिए बाहम का, ठीक, और ऑन सक्सेसफुल लॉगिन, हम लोग मूव कर जाएं नेक्स्ट स्क्रीन पे। ये काम हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, चलें देखते हैं। मैं क्या चाहूँगा कि मेरा लॉगिन तो हो स्टैक नेविगेशन के ऊपर। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका कंपोनेंट है ना ऐप, इसके अंदर एक ही कंपोनेंट हो सकता है नेविगेशन का, या तो स्टैक होगा या टैब होगा या ड्रॉवर जो भी होगा। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स, एक से ज़्यादा नेविगेटर्स यूज़ करना, तो उसके लिए आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी, और ये काम हम करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा स्टैक डॉट नेविगेटर, और जिस तरह से पहले मेरा स्टैक नेविगेटर था, और इसके अंदर मैंने मूव कर दिया लॉगिन को। ठीक है, अच्छा लॉगिन किस तरह से मूव होगा आपको पता है, स्टैक डॉट स्क्रीन नेम इज इक्वल्स टू लॉगिन, और कंपोनेंट इज इक्वल्स टू लॉगिन कंपोनेंट। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया स्टैक। अच्छा, टैब को तो खैर मैं रिमूव कर दूंगा अभी, नेविगेशन कंटेनर नेटिव
अच्छा यहाँ पे अगेन इनिशियल राउट नेम लॉगिन, और वही अगर आपको स्क्रीन ऑप्शन देना है नहीं देना है वॉट एवर। आइडियली मैं चाहूँगा कि जब लॉगिन आ रहा हूँ, लॉगिन पे जा रहा हूँ, तो स्क्रीन ऑप्शन वगैरह मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कोई हेडर हो, हेडर मुझे ज़रूरत होगी नहीं। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन का लोगो शो हो रहा हो, और ये फॉर्म इस तरह से जैसे आ रहा है एज इट इज़ शो होना चाहिए। तो मैं करता ये हूँ कि अपने लॉगिन के अंदर पहले तो एक अदद लोगो अटैच करते हैं, जो मैंने एक लोगो ऐसे ही बना लिया बाहम का, वॉट एवर फिट्स यू। हम बाद में थोड़ी सी थीमिंग भी कोशिश करेंगे कि ये एप्लीकेशन जो इतनी अजीब सी लग रही है वो थोड़ी खूबसूरत लगे। तो हम आ जाते हैं अपने लॉगिन के ऊपर, और यहाँ हमने रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड दिया है। हम इसके ऊपर एक अदद इमेज ऐड कर देते हैं। सोर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर, जो हम पहले देख चुके हैं। रिक्वायर में हमारा पाथ है एसेट्स बाहम अंडरस्कोर लोगो डॉट PNG, और इसके बाद आप जानते हैं हमें रिसाइज मोड चाहिए होता है। तो रिसाइज बटन क्या चूज़ करेंगे हम, इसको फ़िलहाल सेंटर कर देते हैं, और स्टाइल में हमें बताना पड़ेगा कि हाइट विड्थ ये क्या रखनी है। चलिए 150 रख देते हैं विड्थ, और हाइट भी 150 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम कहेंगे अलाइन सेल्फ सेंटर। ठीक, और मे बी इसको हम और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ फाइन, ओके। फिर साथ ही हम इसका जो फ्लेक्स बॉक्स है इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि चलिए ज़्यादा ही हो गया 0.6, ताकि थोड़ा सा मिडिल में आ जाए। और आई थिंक वी आर गुड नाउ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फॉर्म शो होना चाहिए। ठीक है, और अभी स्क्रीन ऑप्शंस हमने कोई दिए नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको कुछ भी ना करूं तो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट व्यू है। अब मैं नहीं चाह रहा कि लॉगिन, वैसे ये फॉर्म ऑब्वियस ही बात है, लॉगिन फॉर्म है, मैं नहीं चाह रहा कि टॉप पे ये जो लॉगिन लिखा आ रहा है ये विजिबल हो। ठीक है, तो मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ। तो इसे हाइड करने के लिए सिंपली मैं कहूँगा स्क्रीन ऑप्शंस और हेडर शोन, इसको कर देंगे हम फॉल्स। सही है, तो मेरा हेडर अब जो है वो हाइड हो गया। इसका मतलब है अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई इसके क्लिक के ऊपर हमें मूव कहाँ करना है, जो कि हम पहले ही ये काम कर चुके हैं। हम लॉगिन पे नेविगेशन में बता चुके हैं कि हमें मेन्यू में जाना है। अलबत्ता ये अलग बात है कि मेन्यू अभी एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि साहब स्टैक डॉट स्क्रीन एक और भी है जिसका नाम है मेन्यू, और इसका कंपोनेंट क्या है मेन्यू। ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आने वाली है हमारे पास। बाहम डॉट यूज़र gmail.com, वो प्रॉब्लम क्या है कि अब जो मुझे दूसरा नेविगेशन टैब नेविगेटर चाहिए, जो बॉटम टैब नेविगेटर हमने बनाया था, वो मुझे चाहिए यहाँ पे।
यानी एक तो स्टैक नेविगेशन चल रही है, अब इसके बाद अंदर नेस्टेड एक नेविगेशन चाहिए मुझे इस मेन्यू के ऊपर। तो नाउ लो लेट्स गो एंड सी कि ये काम हम किस तरह से करेंगे। हम जाएंगे मेन्यू पे और जिस जो चीज़ें, अच्छा यहाँ पहले मैं एक और काम कर लूँ, ये मेरा पूरा जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसको मैं रिफैक्टर करके मूव कर लेता हूँ। एक नई क्लास में, या चलें छोड़ें भाई, ये बाद में कर लेंगे। वैसे आइडियली ये एक नई एक अलग फाइल में जाना चाहिए, वो हम बाद में इसको रिफैक्टर करेंगे। अभी जो करने वाला काम है वो क्या है, जैसा हमने स्टैक नेविगेशन ऐप कंपोनेंट के अंदर इनेबल की थी, इसी तरह से एक नेविगेशन कंटेनर हमें चाहिए होगा यहाँ मेन्यू के लिए। ठीक है, तो चलें ये भी कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे ही आप इस JS फाइल में आएंगे अपने कंपोनेंट में मेन्यू डॉट JS, आपके ध्यान में ये सवाल आना चाहिए कि भाई ये मेन्यू तो इटसेल्फ एक कंपोनेंट है जो लोड होना कंटेनर में, हम इसके अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंटेनर को। तो ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, हम मेन्यू को जब एज अ कंपोनेंट यूज़ करें जो खुद एक कंटेनर के अंदर आना है, तो इसके अंदर नेविगेशन कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब है हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम नाम देंगे होम डॉट JS, और इस होम डॉट JS के अंदर हम कहेंगे भाई ये खुद एक और नेविगेशन हैंडल कर रही है, टैब नेविगेशन, और इस टैब नेविगेशन में हम डिफाइन करेंगे भाई मेन्यू लोड करना है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस कॉन्स्ट सॉरी होम इक्वल्स टू नथिंग, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, ये तो हो गया। हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे क्या, स्टैकनेट टैब इक्वल्स टू क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, और यहाँ पे रिटर्न रिटर्न क्या, नेविगेशन कंटेनर। नेविगेशन कंटेनर में वही फिर चीज़ रिपीट करनी है हमें, टैब टैब डॉट नेविगेटर और टैब डॉट नेविगेटर के अंदर हम कहेंगे टैब डॉट स्क्रीन, पहली स्क्रीन ऐड करते हैं, इसको नाम दे देंगे मेन्यू और कंपोनेंट है मेन्यू। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया साथ ही। नाउ लेट्स सी, इसको मैंने सेव कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, बल्कि प्रॉब्लम क्या, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लॉगिन और मेन्यू थे ना, मेन्यू खुद मैं मूव कर रहा हूँ होम के अंदर, तो इधर अब मेरे पास आ जाएगा होम, आई हैव लॉगिन, आई हैव होम, और यहाँ पे बताएगा होम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब इसको इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, इसको रिमूव कर दो, होम इम्पोर्ट हो गया। लेकिन एक काम और है, लॉगिन के अंदर हमने जब नेविगेशन की थी, यहाँ पे हमें बताना है कि भाई अब क्या आपने जाना है होम के ऊपर, तो नारद सी ये काम हो रहा है या नहीं। ओके, आई हैव अ बग, यू हैव अ नेविगेशन नेस्टेड नेविगेशन इन साइड अनदर, नॉर्मली यू नीड वन कंटेनर एट द टॉप। ओके, अच्छा हाँ सॉरी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं भूल गया, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट नेटिव आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक कंटेनर के अंदर, एक नेविगेशन कंटेनर के अंदर दूसरा नेविगेशन कंटेनर यूज़ करें,
क्योंकि ये जो नेविगेशन प्रॉप है ये अपने हर चाइल्ड को सेंड कर रहा होता है ना। अब इसकी नेविगेशन प्रॉप अलग है और होम में जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसका नेविगेशन प्रॉप अलग होगा, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट इज इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है अब ये डिटैच हो गया है अपने पेरेंट से, तो ये खुद भी एक नेविगेशन कंटेनर हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड कंटेनर आ गया, इसके बाद मुझे जो भी काम करना है वो यहाँ करना है। अच्छा, यहाँ अब देखिए मेरे पास एक ही टैब है मेन्यू के नाम से, तो चाहिए क्या क्या मुझे इधर। फिलहाल मैं थोड़ा ये सारा क्लीन अप कर दूँ। आई डी नथिंग लाइक दिस हियर, होम और लॉगिन, ये दो मुझे सिर्फ ये दो चाहिए। ओके, लॉगिन भी हैंडल हो गया है और मैं आ रहा हूँ होम के ऊपर। मैं एक और स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, अभी हम इसको नाम देते हैं और कंपोनेंट भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूँ कि करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। देखिए एप्लीकेशन इस वक्त जिस स्टेट में है, एप्लीकेशन इस वक्त जिस स्टेट में है इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको बाहम का केस याद हो तो बाहम का यूज़ केस क्या है? बाहम का यूज़ केस ये है कि कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, टीचर्स हैं, उनके पास गाड़ी है अवेलेबल फॉर राइड और वो उन्हें शेयर करनी है। तो यहाँ पे ये कोई इस वक्त जो मेरे सामने चीज़ आ रही है वो क्या है? ये तो सिर्फ गाड़ी गाड़ी के मॉडल्स हैं ना, तो इनका तो यहाँ पे ये कोई शोरूम की ऐप है नहीं। इट डजेंट मेक सेंस हेयर। अब हम एप्लीकेशन को ऑर्गेनिक बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ग्रो करेंगे प्रॉपर्ली। अच्छा, वो हम क्या करेंगे इसमें, लेट्स सी। हमें एक स्क्रीन चाहिए होगी जिसमें हम शो करेंगे होम पे, यानी मेन्यू ही होगा, लेकिन ये मेन्यू क्या होगा? ये उन एड्स का, उन लोगों का मेन्यू होगा जो ऑफर कर रहे हैं अपनी व्हीकल्स फॉर शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हर गाड़ी ये जो बनी हुई है मॉडल तो है अपनी जगह, लेकिन उसके साथ उसका कोई ओनर आएगा, एक पूरा कार्ड आएगा कि भाई ये गाड़ी है, फलां साहब हैं या साहिबा हैं वो शेयर कराना चाह रहे हैं, और एग्जिस्टिंग उस गाड़ी में कैपेसिटी इतनी है, कितने मेंबर्स ऑलरेडी हैं, यानी बची क्या है कैपेसिटी। तो दो चार और एट्रीब्यूट्स आएंगे, उसके बाद हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे, फेवरेट्स, कोई आइकन ऐड कर देंगे ऐड टू फेवरेट्स। तो दूसरे टैब पे क्या चीज़ आएगी? देखिए अगर मेरा जो यूज़र जिसने लॉगिन किया है वो ओनर है गाड़ी का, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपेनियन है तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लेकिन वो जाहिर है उसके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसके बीच भी कॉन्ट्रैक्ट ही आ रहा होगा कि मैं किसकी व्हीकल सब्सक्राइब करके बैठा हूँ इस वक्त, ठीक है। और उसके ऊपर प्रॉबेबली कुछ ऑप्शंस होंगे कि भाई कैंसिल सब्सक्रिप्शन या टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह अगर ओनर है तो ओनर के पेज पे ना सिर्फ ये कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए बल्कि रिक्वेस्ट भी आनी चाहिए। रिक्वेस्ट से मुराद अगर कोई यूज़र है उसने फॉर एग्जांपल लिस्टिंग देख के कहा कि भाई ऐड टू फेवरेट्स, या रिक्वेस्ट, जस्ट एक बटन है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि अब उस गाड़ी के ओनर के पास एक मैसेज चला जाए उसके डैशबोर्ड पे, जिसमें उसे पता चले कि भाई एक यूज़र है जिसने मुझसे कांटेक्ट करने का कहा है, मतलब वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो उसकी प्रोफाइल आ जाए सामने। तो इस तरह से हम एक ऑर्गेनिक सी सिंपल सा यूज़ केस बनाएंगे जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हीं टैब्स के अंदर। फिर तीसरा टैब मेरा क्या हो सकता है? मैं अबाउट का पेज रख सकता हूँ, अबाउट अस वॉट एवर, या ऐप ऑप्शंस, ये भी पॉसिबल है। तो इधर वे जिस तरह का भी मैं डिज़ाइन चाहूँ रख सकता हूँ। तो मैं मल्टीपल इसी तरह से टैब्स ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टैब ऐड करने जा रहा हूँ, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट डॉट जी एस के नाम से, वो मेरा सेकेंड टैब होगा।
तीसरा टैब मैं ऐड कर देता हूँ अबाउट डॉट जे एस के नाम से, ये मेरा थर्ड टैब होगा। अब इनमें कंपोनेंट्स भी बना देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फिल कर लेते हैं कंटेंट। तो चलें लेट्स डू इट। कॉन्स्टेंट अबाउट और ये रिटर्न कर, पहले तो एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा एक व्यू, इसका एक स्टाइल होगा, पहले स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं साथ। स्टाइल्स इक्वल्स टू क्रिएट स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और कंटेनर, एक तो प्रॉपर्टी आएगी आएगी फ्लैक्स स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। तो ये मैं पॉज कर रहा हूँ और ये मैं कंप्लीट करता हूँ अबाउट बॉक्स, उसके बाद दोबारा रिज्यूम करूँगा वीडियो। अबाउट का कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है और इसको मैं एज अ टैब ऐड कर दूंगा अब होम के अंदर। अबाउट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू अबाउट, लेट्स सी। चलिए मेरे पास मेन्यू अबाउट दोनों पे जा गए, अबाउट में कुछ मैंने पार्ट लिख दिया कि अबाउट वेलकम टू बाहम वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा इससे पहले कि हम अपने असल टॉपिक की तरफ जाएं, असल ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि तीसरा टैब ऐड करना है, कि सबसे मूव अराउंड करनी चीज़ें, हम नेविगेशन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ये आप देखें नीचे जो आइकन्स बने हुए, ये दीज आर टेरेबल डिज़ाइन, ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट जो है इसका मतलब कोई आइकन ही नहीं है नीचे, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ब्यूटिफिकेशन चाहिए होगी, एटलीस्ट आइकन्स इतना मतलब थोड़े से रियलिस्टिक आइकन्स होने चाहिए आपके पास। तो हम यहाँ पे टैब नेविगेटर में भी कुछ स्क्रीन ऑप्शंस डिफाइन करेंगे, स्क्रीन ऑप्शंस। लेकिन ये जो स्क्रीन ऑप्शंस हम देने जा रहे हैं थोड़े से ट्रिकी हैं, यानी दीज आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वो ट्रिकी क्या है लेट मी शो यू। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो आइकन्स हैं ये स्टैटिक नहीं होंगे, यानी पहली बात तो एक सिंगल आइकन नहीं होगा। यहाँ हमें डिसाइड करना है ना कि भाई कौन से मेन्यू पे हैं तो आइकन कौन सा होगा, मतलब ये जो मेन्यू है इसका आइकन अलग होना चाहिए, अबाउट का आइकन अलग होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट्स का आइकन अलग होना चाहिए। उसके अलावा एक और भी चीज़ है वो ये कि आइकन हमारे पास चेंज होना चाहिए, यानी फोकस्ड। अब ये देख रहे हैं मैंने क्लिक किया, ये फोकस हो गया, लॉस्ट फोकस, फोकस लॉस्ट फोकस। तो आइकन में भी एक समझने ट्रांजिशन होता है, ये अगर मैं करंटली इस पेज पे हूँ तो उसका कलर क्या होगा, वो आइकन चेंज तो नहीं हो जाएगा, साइज़ क्या होगा, और अगर मैं मूव कर गया हूँ तो वो आइकन चेंज हो जाए, पता चले कि भाई करंटली मैं इस आइकन के ऊपर, इस टैब के ऊपर नहीं हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है लेकिन हम इसको करेंगे और यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा कि क्या किया। पहले आप देख लें जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक एरो फंक्शन, ठीक है, और एरो फंक्शन एक राउट के नाम से एक प्रॉपर्टी ले रहा है इनपुट, ठीक है। अच्छा अब ये एरो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, काफ़ी इस पे जो है वो ये बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी। राउट के अंदर मेरे पास है एक
टैब बार आइकन, ठीक है, टैब बार आइकन इटसेल्फ कंट्रोल होगा एक एरो फंक्शन से, ठीक है, ये तो अभी हम एरो फंक्शन लिखेंगे। तो एक तो हो गया हमारे पास टैब बार आइकन, उसके अलावा टैब बार एक्टिव टिंट कलर, और ये मैं दे देता हूँ नेवी, और टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर इसको मैं कह देता हूँ ग्रे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये क्यों इसने सी, हाँ मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा विजिबल आपको, ये देखें मेन्यू और अबाउट इनका कलर आप देखें तो ये कलर है नेवी और ये कलर है नेवी, जो जब जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया है सिर्फ कि जब मैं टैब स्विच करूँगा तो एक्टिव और इनएक्टिव का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ इतना बताया। अच्छा इसमें जाहिर है मैं फिर फॉन्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ और भी, बल्कि फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा विजिबल हो। फॉन्ट बड़ा करने के लिए मैं कहूँगा टैब बार लेबल स्टाइल, और यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड जो फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज़ ये अवेलेबल हो जाएंगे, और इससे मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 18, ठीक है। अब ये ज़्यादा विजिबल है इजीली। अच्छा इसके बाद बारी आती है आइकन्स की। अब अभी तक हमने जो आइकन यूज़ किया है इकलौता वो ये हमने अपने लाइब्रेरी के अंदर जो कॉपी करके रखे थे आइकन्स वो यूज़ किए, लेकिन अब हम जा रहे हैं आइकन्स प्रॉपरली मटेरियल मटेरियल लाइब्रेरी से, मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी से आइकन्स पिक करने के लिए। तो इसके लिए आप कहाँ, एक वेबसाइट है इसको हम विज़िट करते हैं, आई थिंक एक्सपो आइकन्स डॉट एक्सपो डॉट एफ वाई आई फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और फिल्टर्स में कोई सा भी आप डिज़ाइन आस्पेक्ट चूज़ कर ले, मैं मटेरियल आइकन्स यूज़ करूँगा मटेरियल डिज़ाइन के रिस्पेक्टिव। अब यहाँ मेरे पास बहुत ही इजीली मैं कोई भी आइकन पैक पूरा एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइब्रेरी मुझे सिर्फ इंस्टॉल करनी होगी मटेरियल यूआई की, और ये सारे आइकन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये आइकन्स मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा है कि भाई कौन सा आइकन है अपने किस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है। अब सबसे पहले मुझे ये आइकन्स यूज़ करने के लिए चाहिए क्या, एट द रेट एक्सपो वैक्टर आइकन्स ये लाइब्रेरी, तो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल इट, npm इंस्टॉल एक्सपो / वैक्टर आइकन्स, npm स्टार्ट। तो अब चूंकि मेरे पास ये आइकन्स लाइब्रेरी आ चुकी है तो मैं इजीली ये सारे आइकन्स यूज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अबाउट है, अबाउट के लिए मुझे अच्छा सा मुझे एक आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अबाउट या आस्क क्वेश्चन प्रोफाइल सेल्फ। अबाउट के नाम से कोई आइकन नहीं है, हैरत की बात है। चलें हम इन्फो का ही रीयूज़ कर लेते हैं,
अच्छा, अब यहाँ देखें, हमारे पास इन्फो है और इन्फो आउटलाइन है, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्फो, और एज इट इज़ बस इसको मैंने कॉपी करना है, ये जो लिखा हुआ है मटेरियल आइकन्स नेम वगैरह, इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। बैक है इन्फो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे मैं आइकन के अंदर रिटर्न करूंगा दिस, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही काम कर रहा हूँ। अच्छी, अगर कुछ ब्रेक ना हो गया, ट्राइंग टू कनेक्ट, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिलोड। लोड हो गया मटेरियल आइकन्स। ओके सॉरी, ये मैंने इसका कुछ कर लेते हैं। ओके, नाउ यू सी आइकन मेरे पास आ गया है, मेन्यू अबाउट दोनों के ऊपर एक ही आइकन है, ठीक है। यहाँ आपने यूज़ करनी है इस एरो फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ तीन होती हैं यहाँ टैब बार आइकन की। पहली प्रॉपर्टी है फोकस्ड, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कलर, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है साइज, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, ये मैं क्या करने क्या जा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि नेम इज इक्वल्स टू हार्ड कोडेड के बजाय आइकन नेम, आइकन नेम साइज इज इक्वल्स टू साइज और कलर इज इक्वल्स टू कलर, ठीक है। अब ये तीन मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मैंने एज इट इज सप्लाई कर दी हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मुझे आइकन्स चेंज करने हैं बेस्ड ऑन किस किस टैब के ऊपर हूँ मैं। अब अगर मैं कहता हूँ लेट आइकन नेम इज इक्वल्स टू, फिलहाल मैं कह देता हूँ कोई कोई सा भी जो है वो अननोन आइकन रख देते हैं। लेट्स सी, अननोन ये रख लेते हैं हम, डिवाइस अननोन, ठीक है, डिवाइस डैश अननोन। तो डिवाइस अननोन साथ साथ फॉलो करना है आपने कि चेंज किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये वैसे अगर लिखा लिखा है आप देखेंगे तो शायद बिल्कुल समझ में ना आए कि भाई ये क्या काम हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर इस पर फोकस करेंगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। आइकन मैंने डिफ़ॉल्ट दे दिया कि मुझे पता ही नहीं आइकन कौन सा है। अच्छा, जब नहीं पता तो पता चलेगा कैसे? मैं कहूँगा कि इफ़ ये जो राउट है, ये राउट क्या चीज़ है, ये राउट है जनाब ये नाम मेन्यू अबाउट वॉट एवर। तो मैं कह रहा हूँ अगर राउट डॉट नेम, राउट का नाम किसके बराबर है, मेन्यू के बराबर है, तो आइकन नेम चेंज करके क्या कर दो, मेन्यू का कोई आइकन रख देते हैं हम। मेन्यू के लिए मेन्यू ही आइकन, मेन्यू तो होगा ही आइकन, मेन्यू तो है ही आइकन 100%। हाँ तो फिर मेन्यू हो। अच्छा, मेन्यू भी दो हैं, मेन्यू ओपन और मेन्यू जस्ट मेन्यू, ये हम दोनों यूज़ करेंगे। और एल्स इफ राउट डॉट नेम इज अबाउट, फिर क्या करें, जावा की आदत है, आइकन नेम इज इक्वल्स टू, हमने
अबाउट के लिए कौन सा इन्फो चूज किया था। ठीक है, लेट्स सी, आई कैन नेम, इफ राउट डॉट नेम इज मेन्यू देन दिस, अदरवाइज आई कैन नेम इज अबाउट। इसको रिफ्लेक्ट वैसे तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा, डिवाइस अननोन पे ही फंसा हुआ है। लेट्स सी क्या हुआ है। राउट मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये कहीं इस वजह से ना हो। हाँ ओके, तो ये राउट एक ऑब्जेक्ट है इसका, जेएस, ये बड़ा कॉमन मसला है। खैर नाउ यू कैन सी मेरे आइकन्स चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन द नेम ऑफ राउट, ये जो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहे यहाँ पे दो और टैब ऐड कर दूँ, उनके मैं अलग से आइकन्स दे सकता हूँ, इसी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ एल्स करके। अब ये देखें थोड़ी सी जो है अजीब सी प्रोग्रामिंग लगती है, भाई फेल्स है उसके अंदर नेस्ट हो रहा है, लेकिन ये आप देखें टैब्स कितने होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर आपने कुछ कर लिया तो पांच टैब्स होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे एक एप्लीकेशन में। तो दिस इज़ फाइन, इस लेवल पे फेल्स चल जाता है, वरना हम वो एरे और एरे लेते उसके बाद रिजॉल्व करते एंड सो ऑन, बट अभी हमारा वो पर्पज़ नहीं है, वो मकसद नहीं है। बहर आप देख रहे हैं दोनों के अलग आइकन्स डिफाइन हो गए। ठीक है, अब एक और स्टेप हमें चाहिए, वो क्या, मैं कह रहा हूँ भाई अगर फोकस्ड है, अगर ये मेन्यू खुला हुआ है तो ओपन मेन्यू वाला आइकन आए, थोड़ा सा इसको आइकन, हाँ फोन थोड़ा छोटा कर दें, तो अगर ये फोकस्ड है तो मेरे पास आइकन आना चाहिए ये वाला मेन्यू ओपन वाला, वरना मेन्यू आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, फोकस्ड चेक करो, फोकस्ड है तो मेन्यू ओपन, अदरवाइज मेन्यू, राइट, लेट्स सी, मेन्यू ओपन, मेन्यू, और ग्रे भी हो गया, राइट। इसी तरह जो अबाउट है, इसको अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मेरे पास इन्फो था और इन्फो एक और भी था, इन्फो इन्फो आउटलाइन, ठीक है, तो मैं इन्फो और इन्फो आउटलाइन कर लेता हूँ, इफ फोकस्ड देन इन्फो, अदरवाइज सॉरी हाँ इन्फो आउटलाइन। ठीक है, तो आप यहाँ देखें बिल्कुल और बिल्कुल मटेरियल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने आइकन्स डिफाइन कर दिए। अब यूज़र को शायद पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, हमें टेक्स्ट भी देने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आइकन्स भी चेंज हो रहे हैं, उनका कलर भी पीछे चेंज हो रहा है। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ जो कि हमने फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, इसका जो साइज़ है हमने फिक्स किया हुआ है ना, साइज़ पास किया हुआ है। मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, कि अगर एक मेन्यू सिलेक्टेड है तो उसका साइज़ एक स्टेप बड़ा कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ फोकस्ड देन साइज प्लस प्लस वन, अदरवाइज साइज, चलें लेट्स सी के साइज पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, प्लस वन तो बहुत छोटा है, मैं प्लस फाइव करके देख लेता हूँ, होना चाहिए। क्योंकि मैं साइज पास कर रहा हूँ यहाँ पे, इम्पैक्ट इसका आना चाहिए, ओके सॉरी, अच्छा ये साइज़ नहीं होगा क्योंकि साइज़ हमारे पास यहाँ से कंट्रोल हो रहा है लेबल के फॉन्ट साइज़ से, तो ये फिक्स हो गया है, तो इस वजह से ये साइज़ वैसे ही प्रॉपर्टी पास होगी। बट खैर यू गेट द पॉइंट, इसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो अब आप देखें
आई हैव मेन्यू अबाउट और दिस इज़ नाउ रेडी टू एक्सेप्ट एज मैनी टैब्स एज यू वॉन्ट. तो अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी एक और टैब बना रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं एम्प्टी रखूँगा. फिलहाल हमारे पास कुछ है भी नहीं इसमें कंटेंट, क्योंकि उसके लिए एपीआई चाहिए, एपीआई से हमें कुछ डाटा चाहिए होगा. तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न जस्ट अ व्यू. रिटर्न अ व्यू बस. हाँ, इसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर सकता हूँ. कह रहा हूँ ठीक है भाई, मेन्यू भी है, अबाउट भी है, और मेरे पास एक और राउट ऐड होने वाला है, और इसको मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका भी मैं एक आइकन कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ अच्छा सा. माई लाइब्रेरी बुक्स, ये निस्बतन बेहतर ऑप्शन लग रहा है. और भी देख लेते हैं, कोई कमी नहीं है. मैं कार सर्च कर लेता हूँ, कोई कार अगर सही मिल रही हो, इलेक्ट्रिक लोकल कार व्हीकल नहीं है. कम्यूट देख लेते हैं, कम्यूट इज़ गुड, कम्यूट यूज़ कर लेते हैं हम लोग. और यहाँ पे फोकस एंड फोकस छोड़ दो, एक ही आइकन यूज़ करेंगे, कम्यूट. ठीक है, तो अब बोलेंगे यहाँ पे कुछ आ क्यों नहीं रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा हमने कोई टैब डिफाइन ही नहीं किया इसके अगेंस्ट. अरे यार, इसका कुछ करना पड़ेगा. चले लॉगिन पे जाते हैं और हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसको डिलीट ऑन प्रोडक्शन, इसको हर हालत में लॉगिन के बटन पे आगे भेज दो. ठीक है, अब ये बग छोड़ दिया हमने, वरना ये हमें इरिटेट करता. अच्छा जनाब, आ जाते हैं दोबारा हम. हाँ, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स, अब मैं कह रहा हूँ इसको. ठीक है, तो मेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट, दैट्स इट. अब मेरी पास एप्लीकेशन रेडी है टू मूव ऑन. तो हमने इस पूरे सेशन में थोड़ा सा जो टाइम इसमें अच्छा खासा लग गया, हमने एक से ज़्यादा चीज़ें देखी. हमने नेविगेशन भी देखी और साथ हमने स्क्रीन ऑप्शंस देखा थोड़ी डिटेल में कि किस तरह से ये पूरी यूआई कंट्रोल होती है. देखिए, याद रखिएगा, जितने भी फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा एक चंक होता है काम का यूआई को कंट्रोल करना, स्पेशली यूएक्स. दिस इज़ नॉट ओनली यूआई, दिस इज़ यूज़र एक्सपीरियंस. आपका एक यूज़र कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए. ठीक है, अब एक चीज़ और भी आप देखें, ये अगर आप इसकी कलर स्कीम को देखें, बड़ी अजीब सी है, बिल्कुल अननेचुरल सी है और बहुत ही आउटडेटेड सा डिज़ाइन है. तो हम अपनी अगली वीडियो में थोड़ी सी इन चीज़ों पे, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे, यानी अपनी यूआई थोड़ी बेहतर करेंगे, मटेरियल यूआई को थोड़ा सा अडॉप्ट करके देखेंगे, और ये जो हेडर फुटर है इनका भी कुछ करेंगे, ये जो लाइनें आ रही हैं डॉटेड, टू वी विल डू समथिंग अबाउट दिस. ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अदरवाइज़ इसमें कोई आपको
फ्लॉ मिला हो, क्योंकि काफ़ी हमने बैक एंड फोर्थ किया है, कोई चीज़ आप समझें कि बेहतर हो सकती थी, तो प्लीज़ आपका अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।